दोस्त तो हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो इतना ज्यादा टेस्टी इनका चिकन लगता है। तो दोस्तों आज हम वही चिकन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वाला, और ये रेसिपी बिल्कुल ही सेम है जो रेस्टोरेंट्स में यूज होती है। आप इसे बिल्कुल बनाना और चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 10-12 काजू और 4 लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह से पहले इसका पाउडर बनाएं आप, फिर उसमें करीबन 2 टमाटर लाल होने चाहिए, उन्हें डालकर अच्छी तरह से पानी देकर मिक्स करके पीस लेना है इस तरह से। फिर अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है और उसमें तेज पत्ता डाल दें आप और 1 लाल मिर्च का टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज ऐसे काट कर डाला है, मीडियम साइज प्याज काटे आप और उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सुनहरा होने तक आप फ्राई कर ले। इस तरह से फ्राई कर ले आप, देखिए सुनहरा हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम सारे मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून हल्दी, यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। फिर यहाँ पे मैंने करीबन 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने गोलकी डाल दी है और 1.5 चम्मच यहाँ पर धनिया, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे करीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे हम, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे करीब 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। जब ये हो जाए फिर इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, अब इसे अच्छी तरह से धोकर और इसे इस ग्रेवी में डाल दे और अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें करीबन 2 से 3 मिनट तक, हाई टू मीडियम फ्लेम तक इस तरह से। अच्छी तरह से इसे पलटे और सारे चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। ये 2 मिनट करीब होने चला हमारा चिकन भूंजते हुए, इसे अच्छी तरह से फ्राई करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, इसी समय यहाँ पे चिकन में फ्लेवर जाता है। फिर हमारा जो मिक्सचर हमने पीस कर रखा था उसे आप इसे अच्छी तरह से डाल दे इस टाइम पे और उसे मिक्स कर ले। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें और इसकी भुनाई करना है करीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। वहाँ रेस्टोरेंट्स में तो हमेशा ही हाई फ्लेम पे होती है, मगर यहाँ पर स्लो फ्लेम में आप बनाएं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे करीबन 1/2 कप पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से कुक किया है ढक्कन लगाकर। करीबन 20 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और फिर इसे देखेंगे कि ये चिकन गला कि नहीं। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, इसे अच्छी तरह से भून ले। हमारा चिकन अब तेल बहुत अच्छी तरह से छोड़ने लग गए, ये देखिए। अब इसमें हम गार्निश के लिए कसूरी मेथी डाल देंगे और गरम मसाला।
आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर केवड़ा वाटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज अपना प्यार मेरे चैनल को दिखा दे थोड़ा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, और हाँ ये रेसिपी जरूर बनाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।